स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। यहां पे आपको बता दूं कि न मानदेय समय पर मिलता है और ऊपर से जो है शोषण का भी बहुत ज्यादा बोलबाला आज के समय में। हमारी आंगनबाड़ी बहने हो या सहायिका बहने हो या मिनी बहने हो या आशा बहने हो, यहां तक की रसोईया बहने हैं, उनको भी सरकारों ने नहीं छोड़ा। क्योंकि चुनाव में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, यशोदा माँ का जैसे टाइटल दे दिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं ये क्या क्या करें, विभाग में काम करें या फिर बैठ करके जो है आप पोलियो जहां पे बूथ पर जा करके वहां पर ये दूसरों के बच्चों को एक आया की तरह बैठ करके जो पालन पोषण करें। आइए आपको हम दिखाते हैं यहां पे क्या मैसेज, एक तरह से संदेश दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी बच्चों की देखरेख, मैंने आपको बताया था, लेकिन इन चीजों पर चर्चा थोड़ा तेजी के साथ होनी चाहिए। जो संगठन है वो भी आवाज लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता जा रहा है। कारण क्या है? हम लोग जितना झुकते चले जा रहे हैं, लोग उतना फायदा उठाते चले जा रहे हैं। सब जानते हैं, सरकारें जानती हैं कितने कम पैसों में कितने काम लादे जा रहे हैं। एक तरफ सर्वे किया जाए, एक तरफ फीडिंग के लिए बहने परेशान, उनका पैसा तक नहीं सरकार दे पा रही, कह रहे कि लिंक नहीं है, उसके लिए बहने परेशानी दिखाएं या फिर बीएलओ का कार्य करें। कुछ बहने ऐसी हैं जिनका दो दो बीएलओ में ड्यूटी लगी, अब एक जगह वो जाएंगी या दोनों जगह पहुंच जाएंगी, सरकार क्या है, ये प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे इन चीजों में लापरवाही बरती जा रही है। हमारी ही एक बहन है जिनकी दो दो बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई है, कुछ उनकी सुनवाई नहीं होती है। वो कहती है तहसील मर कि हमारी एक ड्यूटी काटिए, हम दो दो ड्यूटी कैसे करेंगे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं। उनका यही साफ साफ कहना है कि करना पड़ेगा और वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इन चीजों पर कौन क्या करेगा? प्रशासन कहता है मैं आपके साथ हूं, सबका साथ सबका विकास। विकास क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो बच्चे जो करेंगी बच्चों की देखरेख, दरअसल अभी तक तो वो यशोदा माँ ही थी, अब वो आया भी बन गई हैं। अब जो बच्चे आएंगे छोटे छोटे केंद्रों पर, उनको वहां पे वो देखरेख करेंगी, घर से सामान ले जाएंगी। इसमें साफ साफ लिखा है कानपुर के ही हैं डीएम विजय विश्वास जी, जिन्होंने ऐसी चीजें लिखी है, मीडिया में निकल के इनकी आई हैं। इन चीजों पर बहुत से संगठन आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है ऐसे फैसले जो लिए जा रहे हैं उनसे हमारी बहनें काफी परेशान हो रही हैं। विभाग से हटकर के काम दिन पर दिन उनके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मानदेय के लिए चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, कोई सुनवाई कर नहीं करता, ना सरकार से उनकी आवाज को बढ़ाता है, वहां तक रख देता है। उल्टा जो शोषण किए जा रहे हैं उन पर भी कोई शिकंजा नहीं कस रहा है। खुले आम सुपरवाइजर और सीडीपीओ वगैरह ये चीजें कर रही है, सुपरवाइजर धड़ल्ले से जो है बहनों का शोषण कर रही है। कार्रवाई के लिए नोटिस डाले जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, न उन पर कार्रवाई न कुछ, सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये अब वो समय नहीं रहा है, अब ये सब बंद होना चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं। और यहां पे बताया जा रहा है कानपुर में पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए छोटे बच्चों को लेकर पहुंची महिला के बच्चों की देखभाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करेंगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय के कैलाश सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का काम सराहनीय है। सराहनीय अगर काम है तो उनको पैसे भी मिलने चाहिए, इस बात पर फिर क्यों सराहना नहीं दिखाता है? न कोई डीएम बोलता है, ना एसडीएम बोलता है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। सिर्फ 1500 देकर के हवाला देकर के निकल गए, और वो भी चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, मैं सभी की बात करता हूं, चाहे हो अन्य जैसे कमलनाथ जी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हैं, जो जो वादे जो करता है उसको पूरे भी करने चाहिए, पूरे नहीं करता है कोई भी, लेकिन बातें जरूर मीडिया के सामने मार दी जाती हैं बड़ी बड़ी। लेकिन हमारे अधिकारी भाई, इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आप किनसे काम ले रहे हैं, वो खुद ही इतना परेशान है और आप उन्हीं को काम में और लगाते चले जा रहे हैं, उसके लिए पैसे सरकार कितने दे रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? बहने परेशान है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, मानदेय उनका चार चार महीने नहीं आता, जिसको लेकर के कभी जो है उनकी सराहना नहीं की जाती है कि जाकर के निदेशालय में कोई चला जाए और कह दे कि क्यों इनका मानदेय लेट लपेट किया जा रहा है। इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है, बता रहे हैं कि वो काम उनका सराहनीय है। वोट डालने आई महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल वोटिंग करने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को करनी है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मतदान के जो दिन निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आएं, केंद्र पर रखे खिलौने भी अपने साथ लाएं। शहरी क्षेत्र में 602 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और 438 सहायिकाओं को लगाया गया है, यहाँ मुख्य विकास अधिकारी अक्षय त्रिपाठी मौजूद रहे। ये चीजें हैं, इनको समझिए, शोषण बढ़ते जा रहे हैं और काम का बोझ सरकारें बढ़ा रही हैं, जिससे बहनें परेशान हो रही हैं। काम बढ़ाना दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम का पैसा भी सरकार दे तब तो काम करने भी उनको मजा आए। पैसे के नाम पर सरकार ठगी कर रही है, ये हकीकत है। क्योंकि आपने देखा 1500 रुपये कहाँ कहाँ लागू नहीं है,
चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कितने वैसे मैं प्रदेशों के नाम लेता रहूंगा थक जाऊंगा, क्योंकि कहीं मिला ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ बहनों को बस दे दिया गया, बस हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीन तीन चार चार का माँ का उनका मानदेय नहीं मिला है, और जो मानदेय आता भी है उसमें भी हफ्ता वसूली होती है सुपरवाइजरों के जरिए। सबसे बड़ी जो समस्या है आज के समय में, जितने भी चाहे डीएम जी हो चाहे एसडीएम हो, अगर आवाज़ वहाँ तक जाती है तो प्लीज़ इस आवाज़ पर सोचिए, कुछ चार शब्द अपने भी इन चीज़ों को लेकर के एक्शन करिए ऐसे सुपरवाइजरों पर जो गलत कर रही हैं। क्योंकि सरकार प्रशासन खुद ही पैसे सुपरवाइजरों को इतने ज़्यादा देता है, फिर भी वो वसूली करती हैं, और वो फिर बंदर बांट का पैसा ऊपर तक जाता है, ये सब बहनें खुद कहती हैं, और ये सुपरवाइजर अपने मुंह से खुद कहती हैं। कई ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास आई जिसमें वो खुद कबूलती हैं, कहती हैं ये सीढ़ी की तरह है हमारा पूरा सिस्टम, ये हम अकेले नहीं खाते हैं, ये ऊपर तक जाता है, उनका कहना है। तो खुद सोचिए, फिर भी एक्शन नहीं लिए जाते हैं, ना सुपरवाइजर वहाँ से निलंबित की जाती है, ना कुछ होता है, उनकी बहाली हो भी जाती है और इन पर एक्शन कोई नहीं लेता है। तो कब तक ये चलता रहेगा, इन पर भी विचार करना चाहिए। और आने वाले समय में संगठन तो हुंकार भर ही रहे इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन हमारे जो जागरूक भाई बहन हैं, जो जिलाधिकारी बहन हैं, चाहे डीएम एसडीएम वगैरह सभी भाई बहन, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नेता का काम होता है झूठ बोलना, वो चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, वो झूठ बोल करके निकल जाएंगे, लेकिन काम किसको करना है, आप हमेशा के लिए हैं, आपको जनता की दुख दर्द के लिए आपने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की है सिविल की, तब जाके आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वही जज्बा वही जुनून जो इंटरव्यू में दिखता है वो आज सामने दिखे मीडिया में, तब तो बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ें इनको समझिए, और बहनों के साथ जो हो रहा है उनको देखा जाए और उचित न्याय उनके साथ किया जाए। ये देखिए बैठक में जमीन पर बैठने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में नाराजगी है, ये बहराइच में है, मिहीपुरवा ब्लॉक में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक बुलाई गई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जमीन पर ही प्रशिक्षण दिया गया। क्या हालत हो गई आज के जमाने में, देखिए एक दरी की व्यवस्था तक सरकार नहीं कर पा रही, अगर ये प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, काहे का प्रशिक्षण, काहे का सम्मान, जो सरकार कहती है हम नारी सशक्तिकरण कहते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, ये चार बहनें आई हैं, इनके लिए न दरी की व्यवस्था है, न बोरी की, कुछ नहीं है जो बैठने के लिए, ये जमीन पर बैठी हैं, अपनी चप्पलों पर बैठी हैं, यही जाकर के हर घर घर में जाकर के विकास की बागडोर संभालती हैं, बच्चों का वजन करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जैसे पोलियो, इतना बड़ा अभियान सफल बनाया, हर एक चीज़ को सफल बनाती हैं। आज चुनाव आचार संहिता लगी है, चुनाव आयोग इतना बड़ा आयोग होकर के उसमें भी भागीदारी करती हैं, वो भी बीएलओ का कार्य करती हैं, हर जगह हर क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य, लेकिन ना तो ये राज्य कर्मचारी हैं ना ये कुछ हैं, बस इनको सरकार फोकट में रखे हुए है, और जिसके लिए उनको 4,000-5,000 दे करके और बड़े बड़ी बातें यशोदा मांग जैसे दर्जे, और बस हो गया उनका काम। वो चिल्लाती रहती हैं, वो धरने करती रहती हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुना जाता है उनका। धरने होते हैं तो सरकारें लाठियाँ चलाती हैं, ये है हमारा लोकतांत्रिक देश, हमें सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, चाहे संविधान हो चाहे कुछ हो, एक पेज रट के बैठे हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं, गुस्सा तभी आता है जब हम अपने ही लोकतंत्र में अपने ही अधिकारों का हनन होते हुए देखते हैं। यहाँ पे जो पढ़े लिखे भाई बुजुर्ग होते हैं, जब वो कुछ चीज़ें समझने लायक हो जाते हैं, तब उनकी सोच ये हो जाती है कि क्या है हमारे साथ नहीं हो रहा, अरे हो रहा है जिसके साथ हो रहा है, जनता ऐसे ही है, ऐसे सोच करके निकल जाते हैं। अगर हर कोई यही सोच को लेकर के आगे बढ़ेगा तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, और जिस चीज़ के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, वो सबकी सब व्यर्थ जा रही है। तो यही कहना चाह रहा हूँ अपनी बहनों से कि एकता बनाए रखिए, और आने वाले समय में जो शोषण हो रहे हैं, मैं यही गुहार लगाता हूँ कि इस चीज़ को कोई ना कोई तो बल दे, कहीं अगर आवाज़ जाती है चाहे संगठन की बहनें हों या भाई लोग हों, तो कम से कम शेयर करें, जनता तक जाए और ये आवाज़ कुछ गूंज के दिखाए, और हमारे जो जागरूक भाई बहन समाज में अच्छे डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो पदाधिकारी जो वाकई में अच्छे हैं, तो वो इन चीज़ों पर कुछ ना कुछ तो अपना कर्तव्य जो उनका बनता है उस पर एक्शन लें तो बहुत अच्छा होगा। सुधांशु जी नमस्ते, ये एक मैसेज लगा हुआ है, जिला बुलंदशहर से हैं, ब्लॉक उनका पहसू से हैं, और फोन प्लीज पैसे से हूँ, और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, उनका कहना है, मेरा जो मानदेय है अभी तक नहीं आया, उनका कहना है अक्टूबर से जो है, और मैंने जो साइट उनको वेबसाइट बताई थी लिंक कराने के लिए, उसके लिए वो पूछ रही हैं अपना आधार लिंक करा सकती हूँ और कब तक करा सकती हूँ, ये सब बारे में पूछ रही हैं। दरअसल आधार लिंक कराने के लिए 15 ही तारीख दी गई थी, और ये चीज़ें सिर्फ आपको लिंक करानी नहीं है, ये काम सुपरवाइजर CDPO का था, उन्हीं को ये चीज़ें करवानी थी, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें क्या क्या करेंगी, फीडिंग करवाएं, मुख्य सेविकाओं के लिए फीडिंग की जिम्मेदारी दी गई, वो भी उठा के इन बहनों पर फेंक दी गई, और इन चीज़ों का क्या, इतनी दिन से आवाज़ लगाई जाती है, हर कोई वीडियो देखता है, संगठन भी देखते हैं, कुछ तो संगठन ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको समय पर जो है चौका मारने का मौका जब मिलेगा तब वो आगे आएंगे, तब तक के लिए बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ बहनें हैं जो आवाज़ लगाती हैं लेकिन फिर भी अनसुनी कर दी जाती है, प्रशासन सब देखता है,
निदेशालय तक आवाज़ जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती। उनको ये लगता है कि ये कब तक चिल्लाएगा, किसी दिन चुप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुधांशु बैठ जाएगा लेकिन कोई दूसरा सुधांशु आकर के खड़ा हो जाएगा मैदान में। तो इन चीज़ों को समझिए। और ये जो बहनें जो जागृत हो रही हैं, आज मैं जैसे बोल रहा हूँ, कल ये खुद ऐसे ही खड़े होकर के बोलेंगी और ये खुद विरोध करेंगी अपना, अपने साथ जो इनके साथ जो सुपरवाइजर है शोषण कर रही हैं। हर चीज़ में हफ्ता वसूली, अगर गलत करना भी नहीं चाहती हैं कुछ बहनें, फिर भी उनको उनके जो जीवन के अनुसार ऐसे गलत काम कराए जा रहे हैं जिनके लिए उनकी आत्मा कभी गवाही ही नहीं देती है। तो एक और एक मैसेज है, जो 2000 रुपये जो आए थे, दरअसल वो फ्लेक्सी फंड के हैं 2000 रुपये। इन चीज़ों को बहनों को बता दूँ, बहुत सी जगह आए हैं लेकिन फ्लेक्सी फंड का पैसा जो खाते में आया है उसमें केंद्र की कुर्सी, रजिस्टर, झाड़ू, चटाई, बाल्टी, ये सभी चीज़ों के लिए आया है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और मैसेज संदेश हमारी बहन ने दिया है, ये हमारी सुनंदा तिवारी बहन है संगठन की, उनका कहना है अपनी बहनों के लिए कि परियोजना के पंजीकृत मुख्य सेविका जो आपकी सुपरवाइजर है, यदि इस धनराशि पर कोई खेल खेलें, यानी कि मांगे पैसे ऐसे कुछ अपना जुगाड़ गांठने की कोशिश करें, तो सामूहिक विरोध करें। वहां पे हर बहन उठ करके विरोध करे कि मैं नहीं दूंगी पैसे, और फिर उस चीज का अगर वो मांगती है वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग करिए, आज मैं खुला कह रहा हूं, और वो रिकॉर्डिंग वो वीडियो हमें भेजिए। मैं मुख्यमंत्री जी से खुद सीधा डायरेक्ट अपील करवाऊंगा बहनों से, और कार्रवाई के लिए नोटिस जरूर डलवाऊंगा, क्योंकि यहां पे जो आप सोच रहे हैं CDPO या सुपरवाइजर के पास जाने से वो कुछ नहीं होने वाला, ना वहां निदेशालय में जाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। ये चीजें सिर्फ मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कह करके और जनता में जो आवाज उठा करके तभी संभव हो पाएंगी। और जो तानाशाही जो सामूहिक विरोध करें, तानाशाही किए जाने जैसी हरकत को नजरअंदाज ना करें। पैसे आपके खाते में आया है और उसका जो हिसाब बाउचर आप देंगी, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, सुनंदा तिवारी। तो बहुत अच्छा संदेश है, शोषण से आपको ही लड़ना है, हमारा काम है जागरूक करना, और आप को जहाँ ज़रूरत होगी हमारी हमारी बहनों की, संगठनों की, वहाँ पे संगठन खड़ा होगा। और ये जो सुपरवाइजर जो गलत करती हैं उनके साथ में उनको जो गलत करने का जो नतीजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो गलत काम कर रहे हैं उनको बंद करें, क्योंकि आज भी ऐसे समाज में बहुत सी अच्छी सुपरवाइजर बहनें हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, उनकी यहाँ पे इज्जत होती है, सम्मान होता है। मैं चाहता हूँ सभी बहनें यही काम करें, सम्मान के साथ में रहें, और हमारी बहनें कोई शोषण का शिकार ना हो। क्योंकि मैंने देखा हमारी राजस्थान में एक बहन, उनके साथ क्या हुआ, वो अपना जीवन भी हार गई, 4 गोलियां सल्फात की खाई थी उन्होंने सुपरवाइजर के प्रेशर से। दरअसल एक बहन ने ये वीडियो को अपने वहाँ पे सुपरवाइजर को भेज दिया व्हाट्सएप पे, तो वहाँ की सुपरवाइजर उनसे बताया जा रहा है परेशान हो गई। वो चिल्लाने लगी कि क्या हमें ये डरा रही हो, ये चीज़ें हैं, ये डरा नहीं रहे हूँ, ये मैं सीधा अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक जो हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे शोषण नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा के रखें सभी लोग, तब ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा ये संगठन की बहनें हैं, ये बैठने नहीं दी जाएंगी, और ये सभी बहनें कार्रवाई करेंगी, क्योंकि ये शोषण को लेकर के हर कोई परेशान है यहाँ पे। और जो बहनें परेशान होंगी तो संगठन परेशान होगा, संगठन परेशान होगा तो चैनल भी परेशान होगा, और चैनल अगर परेशान होगा तो आवाज़ जरूर लगाई जाएगी। ये बात है, और इसको गांठ बांध के सब लोग रख लें। और वीडियो को मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग शेयर करें, मेरी आवाज़ जनता तक, लोगों तक, कानों तक जाए। जो शोषण कर रहे हैं उनके कानों तक तो सबसे पहले जानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे इस देश में और इस प्रदेश में शोषण बंद हो जाए, जो शोषण हो रहे हैं, क्योंकि ये इससे बहुत कुछ नुकसान होता है। जिसकी जान गई है मैं उससे पूछना चाहता हूँ, उनके घर वालों से, उनके दुख दर्द को, यानी कि वो लोग नहीं समझ सकते हैं जिनके कारण ऐसा होता है। तो यही चीज़ें हैं कि आगे कुछ ना हो हमारी बहनों के साथ में, इसी एकता के साथ में। और दूसरी बात, पार्टियों की बदनामी बहुत ज़्यादा होती है जब ये शोषण होता है, बहनें परेशान होती हैं, वो सीधा कुछ नहीं जानती, वो सीधा मुख्यमंत्री को ही दोष देती हैं कि इस सरकार में हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और तो मैं नहीं चाहता ये सब हो, मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से आवाज़ लगाऊंगा। और जो ये लोग सोच रही होंगी सुपरवाइजर बहनें, ये कहाँ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगा, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ही नहीं, यहाँ से अगर आवाज़ लगेगी तो सीधा प्रधानमंत्री जी के पास तक भी जा सकती है। तो अच्छा यही होगा कि आप ये गलत काम छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा सुपरवाइजर बहन ने जो थी वहाँ की, जिन्होंने ये काम किया था राजस्थान में, ये उत्तर प्रदेश की ही जो है दम थी, जो वहाँ पर निलंबन उनका कराया गया और केस वगैरह के लिए भी फाइल कराई गई। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप लोग दिमाग में रखिए, और आगे अपने दिमाग से बहनों सोचिए, शोषण का शिकार आपको नहीं बनना है, आप आवाज़ लगाइए और हर कोई आपके साथ में खड़ा है। धन्यवाद।